Hello and welcome everybody to Everest Coaching Institute. Today we will discuss the topic Elasticity of Demand of Class 11th Economics. This is my second video relating to this chapter. In the previous video we discussed about what is elasticity of demand and the types of elasticity of demand. In this video we will go ahead. So, with first of all, we will discuss about the measurement of price elasticity of demand. बेटा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि price elasticity of demand ही आपके सिलेबस में है, income elasticity and cross elasticity आपके सिलेबस में नहीं है. So, we will discuss only price elasticity of demand. Price elasticity of demand के to calculate, to measure the price elasticity of demand, there are three methods. Total expenditure method, proportionate method and geometric method. In this video we will discuss all these three methods in detail. First method comes total expenditure method. Total expenditure method kya hota hai? Ye dekho, this method is given by Professor Marshall. Ye Professor Marshall ne diya tha. Is method ko hum total outlay method bhi kehte hain. Sometimes bete aapko paper mein question aa jata hai टोटल एक्सपेंडिचर के नाम से, कई बार आपको टोटल आउटले के नाम से क्वेश्चन आ जाता है, तो आपने कंफ्यूज़ नहीं होना. मतलब एक ही है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से ही आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है. इन टोटल एक्सपेंडिचर मेथड वी कम टू नो हाउ मच एंड इन व्हाट डायरेक्शन टोटल एक्सपेंडिचर चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. इस मेथड में हमें पता चलता है कौन सी डायरेक्शन में और कितना हमारा टोटल खर्चा जो हम उस कॉमोडिटी के ऊपर करते हैं वो चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी. अगर कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो हमारी टोटल एक्सपेंडिचर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, और अगर हमारा प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी इन क्वेश्चन उसका रेट कम होता है तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो किस डायरेक्शन में जाता है, ये मेथड ये कहता है. ये मेथड को मैंने आपको समझाने के लिए बड़ा इजी मेथड यूज़ किया है. आई होप यू विल फाइंड इट इजी टू अंडरस्टैंड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में थ्री सिचुएशंस होती हैं. पहली सिचुएशन क्या है, ईडी मैंने आपको पहले बताया. ईडी स्टैंड्स फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ईडी इज इक्वल टू वन को हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को यूनिटरी भी बोलते हैं. अगर आपको क्वेश्चन में आता है कि डिफाइन इलास्टिसिटी, व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटरी, इट मींस ईडी इज इक्वल टू वन. तो उस केस में क्या होता है, व्हेन विद द चेंज इन द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी देयर इज नो चेंज इन द टोटल एक्सपेंडिचर. अगर आपकी कॉमोडिटी ऐसे, कॉमोडिटी का प्राइस ऐसे चेंज होता है और उसके चेंज होने से आपके टोटल खर्चा उस कॉमोडिटी के ऊपर जितना आप करते हो, अगर उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है तो हम उसको हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. सेकेंड कम्स ईडी इज ग्रेटर देन वन, मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिटरी. वो कहता है विद द फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी का प्राइस अगर पहले के से कम हो गया तो टोटल एक्सपेंडिचर अगर हमारा बढ़ जाता है, मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में गया ना, हमारी प्राइस कमोडिटी की कम हुई तो टोटल खर्चा हमारा बढ़ गया, और हमारा प्राइस कमोडिटी का बढ़ा तो टोटल एक्सपेंडिचर अगर हमारा कम हो गया. अगर टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इट मींस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिटरी, इट इज ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ईडी इज ग्रेटर देन वन. और थर्ड केस है वो क्या कहता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन वन, या और यू कैन से इज लेस देन यूनिटरी व्हेन प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी एंड टोटल एक्सपेंडिचर मूव इन द सेम डायरेक्शन. अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो ईडी इज ग्रेटर देन वन, अगर वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो ईडी इज लेस देन वन. ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी. इसको ज़्यादा सिंपलीफाई मेथड से समझाने के लिए मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन से इसको सॉल्व किया है. अगर आप केयरफुली इस इलस्ट्रेशन को समझ लेते हो तो आई डोंट थिंक सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में कोई दिक्कत आएगी. मैंने आपको देखो तीन सिचुएशंस समझाई हैं कि देयर आर थ्री सिचुएशंस. मैंने आपको थ्री सिचुएशन समझाई थी ना अभी,
वन टू एंड थ्री, ऐसे ही मैंने तीन सिचुएशंस के हिसाब से आपको ये टेबल बनाया है इलस्ट्रेशन में। ये क्या कहता है, प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी पहले फोर थी, ठीक है, हम कॉमोडिटी वाई की बात करें, पहले फोर थी तो क्वांटिटी हम कितनी लेते थे, 8 किलो। मान लो आलू 4 रुपये किलो, 4 रुपये किलो का रेट था तो हम 8 किलो लेते थे, तो टोटल एक्सपेंडिचर हम कितना करते थे, 8 किलो हम ले रहे थे 4 के हिसाब से, तो 4 8 32, ठीक है। जब उसके बाद में उसका प्राइस 4 से 2 हो गया, आलू सस्ते हो गए, तो हमने क्या किया, क्वांटिटी बढ़ा दी, 8 किलो से हमने 16 किलो लेने लगे। जब हम 8 से 16 किलो लेने लगे तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 2 × 16 32, पहले भी 32 था, अब भी 32 था, अब हमारी रियल इनकम बढ़ गई, हम ज़्यादा सामान ले रहे हैं, तो इट मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा, इट रिमेन्स सेम। ये आपका पहला केस आ जाएगा, ED = 1 यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। आई होप दिस इज़ क्लियर। मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ, जब आपका प्राइस 4 से 2 हुआ, प्राइस कम हुआ, तो आपकी क्वांटिटी तो हमने जो बढ़ा दी 8 किलो से 16 किलो कर दी, उस केस में टोटल एक्सपेंडिचर हमारा सेम रहा, पहले भी 32 था, अब भी 32 रहा, तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा सेम होने के कारण ED = 1 यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ये आपको मैंने यूनिटरी इलास्टिक डिमांड समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट केस कम्स, जब आपका पहले 4 था तो आप 8 kg ले रहे थे, टोटल एक्सपेंडिचर हमारा था 32, राइट, यही था ना। जब हमारा प्राइस उसका कम हो गया, 4 से 2 पे आ गया, तो हमने क्वांटिटी जो लेनी वो बढ़ा दी, 8 से हम 20 किलो ले ले रखे, तो पहले हमारा खर्चा हो रहा था 32, 4 8 = 32, अब हमारा हो रहा है 2 20 = 40, सो इट मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ गया। टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ने से क्या हुआ, ईडी इज़ ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। ये हमने सेकेंड केस डिस्कस किया था, ठीक है। पहले हमने केस डिस्कस किया यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का, जिसमें हमारा खर्चा सेम रहा। अब हमने किया, जब हमारा टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया विद द एज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, प्राइस कम हुआ और हमारा एक्सपेंडिचर जो है हमने हमारा बढ़ गया, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ईडी इज़ ग्रेटर देन 1। नाउ थर्ड केस कम्स, जब हमारी प्राइस ही 4, हम क्वांटिटी लेते थे 6 kg, तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा 24 आ रहा था। जब प्राइस हमारा 4 से 2 पे आ गया, तो हमारी क्वांटिटी जो है हमने 6 से 8 किलो लेनी शुरू कर दी, तो पहले हमारा एक्सपेंडिचर 24 था, 4 6 = 24, और अब हमारा 2 8 = 16 हो गया। मींस प्राइस कम होने से हमारा खर्चा भी कम हो गया, एक्सपेंडिचर भी रिड्यूस हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो गया, इट मीन्स इट इज़ अ केस ऑफ ईडीज लेस देन 1 लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। सो दीज आर द 3 सिचुएशन सेम मैंने आपको कोशिश की है इस इलस्ट्रेशन से एक्सप्लेन करने की, ताकि इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट थ्रू टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। आई थिंक दिस इज़ क्लियर, ये आपको इसे अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम आगे डिस्कस करते हैं, इसको हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। इसमें देखो टोटल एक्सपेंडिचर मैंने एक्स एक्सिस पे लिया है, और जो प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी हमने वाई एक्सिस पे लिया है। वो कहता है कि जब आपका प्राइस बढ़ा और आपकी एक्सपेंडिचर भी बढ़ा, इस केस में ईडी इज लेस देन, दोनों सेम डायरेक्शन में हुई, दोनों सेम डायरेक्शन में गई, तो इट इज़ अ केस ऑफ लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, जो हमने थर्ड केस पढ़ा था, ईडी इज लेस देन 1। और फिर बी और सी, ये आपका सी टू डी रिप्रेजेंट कर रहा है, सी टू बी वो रिप्रेजेंट कर रहा है, जब आपका प्राइस उतना का उतना रहा, खर्चा आपका उतना का उतना रहा, प्राइस में चेंज आई है, बड़ा छोटा हुआ है, पर आपका खर्चा उतना का उतना ही रहा है, इट मीन्स इट इज़ अ केस ऑफ यूनिटरी इलास्टिक। अब बी टू ए केस में वो कह रहा है आपका प्राइस बढ़ा है पर आपका खर्चा कम हुआ है, रिड्यूस हो रहा है ना, खर्चा जब आपका रिड्यूस हुआ है तो ईडी इज ग्रेटर देन 1, ये आपके क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो मैंने पूरी कोशिश किया आपको एक्सपेंडिचर मेथड को आपको थ्रेटिकली एक्सप्लेन करने की विद द हेल्प ऑफ अ न्यूमेरिकल एंड विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ।
अगर आपको पेपर में कोई भी क्वेश्चन टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल आउटले का आता है, तो आपने कोशिश करनी है, डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन, आपने ये ग्राफ जरूर ड्रॉ करना है। और आपने जो मैंने थ्योरेटिकली तीन सिचुएशंस बताई हैं वो आपने बतानी है। अगर वो ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है, आपके पास टाइम है, तो आप उसका न्यूमेरिकल सॉल्व दिखा सकते हो। अदरवाइज ये दो चीज़ें, दीज आर सफिशिएंट फॉर यू। सो मूविंग अहेड, नाउ कम्स प्रोपोर्शनेट मेथड। दूसरा मेथड हमारा आ रहा है प्रोपोर्शनेट मेथड। अब प्रोपोर्शनेट मेथड क्या होता है? प्रोपोर्शनेट मेथड को हम परसेंटेज मेथड भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड बाय द रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस में क्या चेंज आ रहा है, उसमें क्या प्रोपोर्शन में चेंज आ रहा है, वो हम प्रोपोर्शनेट मेथड में डिस्कस करेंगे, आता है। और प्रोपोर्शनेट मेथड को हम परसेंटेज मेथड भी कहते हैं। सो नाउ कम्स अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ मेथड टू प्रोपोर्शनेट मेथड। इट कम्स ईड इज इक्वल माइनस, हम रखते हैं बेटा हमेशा ब्रैकेट में, ये माइनस हमने हमेशा ब्रैकेट में रखना है, क्योंकि परसेंटेज चेंज जो है वो आपकी अप साइड भी जा सकती है और नेगेटिव साइड, डाउन साइड भी जा सकती है। प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। इसको हम और सिंप्लीफाई मेथड लिखेंगे, ED इज इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट्स P अपॉन Q इनटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, वेयर ED स्टैंड्स फॉर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, Q स्टैंड्स फॉर इनिशियल डिमांड, जो हमारी पहले डिमांड थी उससे चेंज हुई है ना वो, देन P कम्स इनिशियल प्राइस, डेल्टा Q इज चेंज इन डिमांड, जो हमारी चेंज इन डिमांड कितनी हुई है, जो हमारी नई डिमांड और पुरानी डिमांड में क्या डिफरेंस है, डैट इज़ डेल्टा क्यू, एंड डेल्टा पी इज़ चेंज इन प्राइस। ही मैंने आपको डेल्टा क्यू का फॉर्मूला बताया है, न्यू डिमांड माइनस इनिशियल डिमांड, और डेल्टा पी का न्यू प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस। ये बेटा इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये आपको मेथड पूरा लिख के दिखाया, फॉर्मूला लिख के दिखाया, बट इसकी पूरी आपकी जो न्यूमेरिकल है वो मैं आपको नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगी, स्पेशल वीडियो बनाऊंगी, जिसमें आपको मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के न्यूमेरिकल्स, हाउ टू अटेम्प्ट द न्यूमेरिकल्स, हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, उसमें डिस्कस करेंगे। सो मूविंग अहेड, नाउ कम्स ज्योमेट्रिक मेथड। तीसरा जो हमारा थर्ड मेथड था वो था हमारा ज्योमेट्रिक मेथड। बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे टू लिख दिया, ज्योमेट्रिक मेथड, टू हमारा पीछे प्रोपोर्शनल मेथड था, ये हमारा थर्ड है, राइट। सो ये दिस इज़ एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ज्योमेट्रिक के ऊपर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आता, अगर आपको आ गया तो आपने सिर्फ ये इसमें यही बनाना है, ग्राफ बनाना जरूरत, थोड़ा सा आप रिटन मटेरियल लिख के आप ये डायग्राम ड्रॉ करोगे। ऑन एक्स एक्सिस क्वांटिटी इन यूनिट्स इज शोन, एंड ऑन वाई एक्सिस प्राइस इन रुपीज इज शोन। हम एक यहाँ पे कर्व बनाते हैं दो, जो वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस को ज्वाइन करती है। पी इज़ अ मिड पॉइंट, जहाँ पे मिड पॉइंट होगा वहाँ पे ई डी इज़ इक्वल टू वन, वो वहाँ पे हमारी ई डी जो है वन होगी। और जो हमारा मिड पॉइंट से अपर पॉइंट पी एम जो है हमारा, वो अपर सेगमेंट है, ये मैंने डिस्कस किया, यहाँ पे लिखा हुआ है पी एम जो है हमारा अपर सेगमेंट है, अपर सेगमेंट का जो मिड पॉइंट होगा वहाँ पे वो ए है, ए पॉइंट पे कुछ भी प्लॉट होगा, हेयर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन वन, एंड यहाँ पे इस पॉइंट पे एम पॉइंट पे ई डी इज इन्फिनिटी। ऐसे ही लोअर सेगमेंट है हमारी पी एन, जो पी एन हमारी लोअर सेगमेंट है, द मिड पॉइंट उसका जो होगा बी, तो ये बी पॉइंट पे ई डी इज लेस देन वन, और जो हमारा एन होगा पॉइंट दैट इज ऑन एक्स एक्सिस ई डी इज इक्वल टू जीरो। ये आपके इसमें सिर्फ आपकी इसको अगर आ गया पेपर में, तो आपने सिर्फ इसका ये थोड़ा सा रिटन पोर्शन लिख के आपने ये डायग्राम ड्रॉ करना है, डायग्राम में पूरा बताना है, लेबल करना है कि ई डी इन्फिनिटी होगी, ई डी रिटर्न वन होगी, ई डी इज इक्वल टू वन, ई डी इज़ लेस देन वन, ई डी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये सारी आपको डिग्रीज जो हैं वो मैं अगली वीडियो में आपको पूरा डिटेल में समझाऊँगी। ये दिस वॉज जस्ट अ मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड जो आपको दिया गया है इसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, और ये मेथड सिर्फ आपने
इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ एक प्लॉटिंग आ जाती है, डायग्राम आ जाता है, कई बार आपको ग्राफ बनाना पड़ता है लाइक 3 मार्क्स क्वेश्चन, तो उसमें आपने पूरा ये ग्राफ बनाना है और थोड़ा सा इसमें रिटन मटेरियल देना है, ग्राफ में आपने प्रॉपर लेबलिंग करनी है। सो आई डोंट थिंक सो यू विल फाइंड एनी डिफिकल्टी इन एनी ऑफ द 3 मेथड्स। इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन 3 मेथड्स या क्वेरीज आर मोस्ट वेलकम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।